हाय गाय वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग बनाते थे, थे कैटेगरी मॉडल लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कैटेगरी एडाप्टर पर काम करने वाले हैं और हो सकता है तो हम लोग इससे भी आगे काम करेंगे क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखें और कंप्लीट नॉलेज ले लें यहाँ से तो देखिए जब हमने कैटेगरी अडाप्टर में यहाँ काम किया था तो यहाँ देखिए बहुत सारे आया था एरर और यहाँ जब हमने व्यू होल्डर को ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में क्लिक किया था तो यहाँ फिर भी यहाँ आ गया था एरर तो सबसे पहले हम लोग इस एरर को सॉल्व करते हैं उसके बाद ही कुछ यहाँ टाइप करेंगे तो पहले क्लिक करते हैं व्यू होल्डर ये जो दिया हुआ है रेड कलर का यहाँ क्लिक करते हैं और अल्ट एंटर क्लिक करते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ लिखा रहा है क्रिएट व्यू होल्डर क्लास क्योंकि यहाँ एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्रिएट व्यू होल्डर को मतलब व्यू होल्डर को क्रिएट किया ही नहीं है तो इसको डायरेक्टली एंटर करते हैं तो देखिए एक न्यू क्लास यहाँ बन के रेडी हो गया और जो हमारा एरर था यहाँ से हट गया लेकिन ये अंडरलाइन जो रेड लाइन दे रहा है ये अभी तक गया नहीं है तो इसको आ, इस एरर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ देखिए या फिर आप डायरेक्टली इसको क्लिक करके यहाँ आता है रेड बल्ब यहाँ क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्टली कहीं भी क्लिक कीजिए और अल्ट एंटर क्लिक ताकि आपको जो भी यहाँ आया ऑप्शन वो ऑप्शन वो रेड बल्ब पर भी आता था तो देखिए इम्प्लीमेंट मेथड्स लिख रहा था यहाँ डायरेक्टली एंटर कर दीजिए और इसके बाद डायरेक्टली ओके क्लिक कर देना है आपको तो जो भी एरर थी वो टोटली जहाँ तक मेरे ख्याल से है कि सॉल्व हो जाएगा लेकिन फिर भी देखिए यहाँ एक एरर अभी भी खड़ा है कैटेगरी अडाप्टर डॉट व्यू होल्डर मतलब कि यहाँ क्या एरर है इसको भी अल्ट एंटर क्लिक करते हैं और देखिए बोल रहा है कि मेक व्यू होल्डर एक्सटेंड एंड्रॉयड रिसाइकल वी डॉट ही तो इसको डायरेक्टली एंटर कर देना है और कुछ नहीं करना है मतलब कि हमने देखिए कम्प्लीटली जितना एरर था हटा दिया लेकिन यहाँ देखिए नीचे एक और नया एरर आ गया तो उसके लिए अल्ट एंटर फिर से और डायरेक्टली यहाँ बोला कि आप कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किए जो कि मैचिंग में रहे तो डायरेक्टली एंटर कर दीजिए और जो हमारा कंस्ट्रक्टर था वो भी क्रिएट हो गया और देखिए तो टोटली हमारा जो एडाप्टर में था कटेक्ट एडाप्टर में वो टोटली एरर यहाँ से ख़त्म हो गया अब हम लोग इसके अंदर टाइपिंग करेंगे गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दम पर एंड्रॉयड ऐप बनाएं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बगल में दिया जाएगा आइकन उसको प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक करिएगा क्योंकि आपको इस चैनल में मिलेगा बहुत सारे वीडियो जो आपको सिखाएगी अपनी भाषा हिंदी में प्लस में यहाँ आपको मिलने वाली है प्ले लिस्ट वाइज वीडियो ताकि आपको कोई भी वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे इस कौन क्रिएट व्यू होल्डर पर क्योंकि सबसे पहले हम लोग इसी को लिए थे तो यहां सबसे पहले देखिए आता है डिफॉल्ट में आता है रिटर्न नल तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले इस चीज को हम लोग हटाएंगे यहां से इसको इतना हटा देते हैं और यहां हम लेते हैं व्यू व्यू इज इक्वल टू ले आउट इन्फ्लेटर ले आउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्ट उसके बाद डॉट इनफ्लेट इनफ्लेट आर डॉट ले आउट डॉट कैटेगरी आइटम अब यार ये कैटेगरी आइटम है क्या वो भी हम जानेंगे कॉमा पेरेंट कॉमा और इसका यहाँ रूट सेट करना है तो फॉल्स और ये देखिए रूट सेट हो गया अब इसके नीचे में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ जो रिटर्न था रिटर्न को यहाँ से रिटर्न को सेंड करेंगे रिटर्न न्यू और व्यू होल्डर से इसको इम्फ्लेट कर देंगे और यहाँ जो इसके अंदर में जो हम लोग लिए थे व्यू के जो व्यू तो उस व्यू को यहाँ से पेरेंट कर देंगे और राइटली इसको कंप्लीट कर देंगे तो देखिए हमने अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि यार ये कटेरी आइटम लिया कहाँ से क्योंकि यार देखिए सबसे बड़ा पॉइंट ये कि जब तक हम जिस आइटम को जिस आइकन को यहाँ दिखाने वाले हैं इस मोबाइल ऐप में जहाँ जो हम इस प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये कि इस कटरी आइटम को कहाँ से देखिए कटरी आइटम ये है जो हमने पिछले वीडियो में यहाँ डिजाइन किया था रिसाइकलर व्यू के लिए जो आइटम डिजाइन किया था जिसमें एक आइकन था और दूसरा एक कट टेक्स था उसी को हम लोग कटेरी आइटम कटेरी आइटम कहाँ से मिलेगा ये भी आपको मैं बता दूँ क्लियरली तो देखिए ऐप के अंदर जाना है आपको और रिसोर्स फाइल के अंदर जाना है फिर यहाँ लेआउट के अंदर जाना और देखिए यहाँ हमने बनाया था कैटेगरी आइटम इसी कैटेगरी आइटम को वहाँ से लेआउट में इन्फ्लेट करना है और अडेप्टर में डायरेक्टली यहाँ से इसको कंप्लीट करना है अब इतना होने के बाद यार अब हमको क्या करना है कि ऑन बाइंड व्यू होल्डर पर काम करना है क्योंकि अब हमने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पर काम कर लिया अब हमको करना है ऑन बाइंड व्यू होल्डर पर तो यहाँ उसके लिए देखिए डायरेक्टली कुछ यहाँ करना नहीं है कोई बड़ा इसमें कोई इशू नहीं है डायरेक्टली हमको टाइप करना है होल्डर जो मैं टाइप कर रहा हूँ यार यही टाइप करना है अदरवाइज़ आपको इस वीडियो के नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप डायरेक्टली आप पैकेज को डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से और अगर आपको मन है तो यार वहाँ से आप कोई भी ऐप को परचेज कर सकते हो वो भी चीप एंड बेस्ट प्राइस में स्पेशली इंडिया के यूजर के लिए तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं होल्डर और यहाँ अपना डाटा जो सेट करेंगे यहाँ तो सेट डाटा यहाँ टाइप करते हैं तो उसके लिए लिखना पड़ेगा होल्डर डॉट तो देखिए यहाँ हमने सेट डाटा नहीं दिया है सेट में कर रहा हूँ डॉट सेट डाटा उसके बाद इसके अंदर लिखना है कैटेगरी मॉडल लिस्ट जो अब कहाँ से कौन सा कैटेगरी मॉडल लिस्ट देखिए हमने जो इसमें बनाए थे वेरिएबल उसी का यहाँ लेना है कैटेगरी मॉडल लिस्ट डॉट गेट और यहाँ पोजीशन से पास कर देंगे डॉट गेट इमेज यू क्योंकि यहाँ इमेज यू भी देना है तो गेट इमेज यू उसके बाद कोमा कैटेगरी मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजिशन तो यहाँ पर पोजिशन पास करेंगे इसको और उसके बाद यहाँ हम लोग गेट टाइटल मतलब कि हम लोग यहाँ दोनों चीज़ पास करवाना था एक इमेज का भी और टाइटल का भी तो यहाँ सेमी कॉलोन दे, दे दिए उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे में यहाँ कुछ करना नहीं है तो लेकिन देखिए यहाँ हमने सेट डाटा में कुछ एरर आ रहा है तो उसको भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में अगर पॉसिबिलिटी रहा तो अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकते हैं लेकिन यार आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है वो बड़ी बात है उसके बाद यहाँ गेट आइटम काउंट अब आइटम को काउंट करने के लिए यहाँ हमको सेट करना पड़ेगा तो यहाँ कुछ बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ डायरेक्टली आपको लिखना है क्या है कैटेगरी मॉडल लिस्ट डॉट साइज जितना रहेगा उसमें उतना ही वो सेट कर जाएगा अब देखिए इतना हमने बना लिया उसके बाद यार हम थोड़ा सा अप डाउन होंगे और यहाँ अब आएंगे हम लोग व्यू होल्डर एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू होल्डर के अंदर में क्योंकि यार हमने ऊपर में गेट काउंट तक तो ले लिया था अब इतना उसके अंडर में क्या करेंगे आप यहाँ से देखिए यहाँ से अभी काम करेगा मेन पॉइंट और यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात है तो इसके अंदर में पहले हम बनाएंगे प्राइवेट क्योंकि यहाँ हम लोग को दो चीज़ इन्फ्लब्रेट करना है सर्कुलर इमेज व्यू अब मैं सर्कुलर इमेज व्यू क्यों नहीं रहा क्योंकि यार हमने मॉडल में ही लिया था सर्कुलर इमेज व्यू इमेज व्यू अब यहाँ देखिए जब हमने यहाँ इमेज व्यू ले लिया तो यहाँ पे हम लोग लेंगे टैक्स व्यू तो टैक्स व्यू में यहाँ क्या लिया था हम लोग एक जो आइटम बनाया था कैटेगरी आइटम में ए जो है कैटेगरी आइटम तो यहाँ हमने टैक्स लिया था और एक इमेज लिया था तो इमेज में हमारा था सर्कुलर इमेज व्यू जिससे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ तो देखिए ये हमारा था सर्कुलर इमेज भी और जब मैं कैटेगरी वन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमारा टैक्स व्यू था यही दोनों को हम लोग इम्प्लीमेंट करना है इसमें तो इसके लिए हम लोग लेंगे टैक्स व्यू टैक्स व्यू और यहाँ हम लिखेंगे टाइटल टेक्स जो आपको लिखना है जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है आपको टाइटल टेक्स हो गया अब यहाँ देखिए अब दो चीज़ हमने वेरिएबल ले लिया अब इन दोनों वेरिएबल को हमको ओन व्यू होल्डर के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो ये जो है सुपर आइटम व्यू उसके बाहर लिखना है इमेज व्यू और इसका आईडी डी जो प्रिंट करना है तो इमेज भी जो हम किस किसे आ रहे हैं आइटम व्यू द्वारा आ रहा है तो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बा आई डी आर डोट आई डी डॉट मॉडल इमेज नाम था इसका तो मॉडल इमेज नाम लिख दिया और इसको डायरेक्टली मैं कॉपी करता हूँ डायरेक्टली यहाँ पेस्ट करता हूँ और इस इमेज व्यू का नाम था यहाँ टाइटल टेक्स भी बनाया था हमने टाइटल टेस्ट और इस आइट अब इसका जो मॉडल इमेज नाम था यहाँ हम लिखे थे मॉडल टाइटल तो यहाँ मॉडल टाइटल अब दो चीज़ हमने यहाँ लिख लिया ठीक है और यहाँ देखिए दो चीज़ यहाँ एरर आ रहा है तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको सबसे पहले अब आपको बाहर में इसके बाहर में यहाँ जो हमने बनाया था सेट डाटा जो यहाँ आया था एरर उसको सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा डायरेक्टली इसके नीचे हमको लिखना पड़ेगा प्राइवेट वाइड सेट डाटा टाइप तो सेट डाटा यहीं से डायरेक्ट का काम होगा देखिए ये जो सेट डाटा है ना तो डायरेक्टली यहाँ से काम नहीं कर रहा था तो डायरेक्टली क्या कर है मैं दिखाता हूँ आपको ये जो है यहाँ डायरेक्टली अगर आल्ट एंटर क्लिक करते है तो यहाँ देखिए लिखता है एक डाटा आपको करना है क्रिएट तो मैं क्रिएट किया देखिए ऑटोमेटिक इसके नीचे क्रिएट हो गया और उसके बाद यहाँ स्ट्रिंग और टोटली चीज़ आ जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा तो कुछ करना नहीं है आपको इसके अंदर में खाली टाइप करना है क्योंकि हमने ग्लाइड का यूज़ करूँगा क्योंकि यार हम फायरबेस से अपने इमेज को शो करवाना है तो इसीलिए मैं ग्लाइड का यूज़ करूँ तो यहाँ ग्लाइड विथ और कहाँ से निकालना है तो आइटम व्यू से मुझे निकालना है उसका डाटा तो गेट गेट कॉन्टैक्स डॉट लोड और यहाँ से यू आर एल को लोड करना है तो यू आर एल तो यहाँ लेना है लोड यू आर एल तो यार देखिए यहाँ यू आर एल क्यों नहीं आ रहा है अब नहीं आने कारण है लोड यू क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए ए जो हमने यहाँ लिखा था स्ट्रिंग में इमेज यू आर यहाँ हमको लेना है यू आर एल तो यहाँ जो लिखा रहा है उसी अंडर में वही तो लिखा तो यहाँ इसलिए देखिए यहाँ लिखा डॉट लोड यू आर एल अब आएगा ऑटोमेटिक यू आर एल आ गया और उसके बाद यहाँ इन टू इमेज व्यू अब कौन इमेज व्यू को यहाँ से इम्प्लीमेंट करना है इसलिए हमने इमेज व्यू ले लिया और इसको क्लोज कर दिया उसके बाद दिस डॉट टाइटल टैक्स डॉट सेट डाटा तो यहाँ लिखना है सेट टैक्स सेट टैक्स और यहाँ टाइटल से इसको पास कर देना है तो यहाँ देखिए हमने इतना चीज़ बना लिया है और और कुछ अब देखिए ये जो आ रहा है एरर आ रहा है उसको डायरेक्टली यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ एंटरता तो यहाँ लिखा रहा है कि मेक अस्टैटिक तो यहाँ आपको पहले देखना है कि ये एरर जो बोल रहा है कि अस्टैटिक में इसको कन्वर्ट करो तो स्टेटिंग में कन्वर्ट नहीं होगा अगर नहीं रहेगा करने का तो यार आपको नहीं करना है ठीक है क्योंकि यार बार बार में कन्वर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं लगता है हमको इसीलिए मैं एक बार देख लेता हूँ कि स्टेडिंग में कन्वर्ट करना है तो नहीं करना है ठीक है तो ज़रूरत नहीं है कि इस एरर को हमेशा या फिर स्टेटिक में, में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ चलो आपके लिए मैं स्टेटिक में इसको कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ से पब्लिक से देता हूँ हटा ताकि ताकिडिक कंप्लीटली वर्क करे परफेक्टली और उसके बाद जो भी एरर और एरर देते कहीं और है क्या तो ऊपर में कहीं और एरर को भी नज़र नहीं आया नहीं है लेकिन यहाँ फिर भी साइड में दो एरर दिखा रहा है तो इस एरर को हम चेक करते हैं कहाँ दिखा रहा है तो इसको दिखा रहा है ए एरर दिखा रहा है तो एरर की है क्या एक दे देख लेते हैं ए एरर क्या दिखा रहा है इसका भी मतलब नहीं है यहाँ क्योंकि हमने यहाँ दो चीज़ अडेप्टर में जो था काम करना था जो था एडेप्टर में वो यहाँ से हमने टोटली यहाँ तक इस इसके अंदर में यहाँ काम कर चुका अब हमको काम करना है ना क्योंकि अडेप्ट मॉडल हो चुका है और यहाँ से अडेप्टर भी हो गया है तो यार दो चीज़ हमने यहाँ बना लिया है रिसाइकल व्यू का वो भी दो दो हज़ार बीस के मेथड से अब उसके आगे हमको क्या करना है वो देखना है अब क्या करना हमको यार यहाँ की हमने इमेज में इसके लिए हम लोग कटहरी मॉडल को ले लिया और कटहरी अडाप्टर भी बना लिया अब चलना डायरेट हमको प्रोजेक्ट में और यहाँ से हमको ऐप के अंदर में जाके जावा के अंदर में जाके क्योंकि यार हमको काम करना है, जावा बेसिस पर तो यहाँ देखिए हमने बनाया था मेन एक्टिविटी उसके अंदर आना है और इसको मैं हैड करता हूँ और आपको यहाँ से जो अभी बनाया था हमने वहाँ से इसको वर्क करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कहाँ इसको हम लोग यूज़ करेंगे ये हमको देखना ज़रूरी है तो देखिए आपको इसके नीचे हुआ नेविगेशन व्यू डॉट सेट नेविगेशन आइटम निस्लर उसके अंदर में आपको यहाँ से टोटली कोडिंग करना पड़ेगा क्योंकि अब जब तक हम इसके अंदर कोडिंग ये जो किसके अंदर में है तो यहाँ देखना है आपको कि ऑन क्रिएट व्यू होल्डर नहीं है ऑन क्रिएट बंडल जो हम लोग डिफॉल्ट में रहता है उस पर काम करना है तो उसके बाद ही तो हम टोटली काम कर सकते हैं अदरवाइज काम करने का तो कोई सवाल ही नहीं है या फिर हम ऐसा काम करते हैं एक काम करते हैं ऐसे कि हम ऊपर में ले लेते ले हैं ले ले इसको नीचे में नहीं तो ऊपर ले लेते हैं तो ऊपर लेने के लिए डायरेक्टली इसके नीचे में और यहाँ से हम टाइप करेंगे रिसाइकलर व्यू ये जो रिसाइकलर व्यू हो यहाँ क्यों नहीं आ रहा यार बताता हूँ मैं क्लियरली यहाँ मैंने अभी तक वेरिएबल लिया ही नहीं है तो प्राइवेट रिसाइकलर व्यू और इसको वेरिएबल से पास करेंगे रिसाइकलर व्यू से उसके बाद इसके नीचे में हम लोग यहाँ लेने वाले हैं रिसाइकलर व्यू रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू अब इसको आईडी डी करेंगे तो फाइंड व्यू बाय आईडी फाइंड व्यू बाय आईडी डी आर डॉट आई डॉट कैटेगरी अब इसका नाम इस देखिए कैटेगरी आरपी आर पी में यहाँ आ रहा है आई ये आई कौन सा आई है ये आपको देखना जरूरी है तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली यहाँ आते हैं और आते हैं रिसोर्स फाइल में उसके बाद लेआउट में और यहाँ देखिए एक्टिविटी मेन कहाँ यहाँ है तो देखिए यहाँ जो हमने लिया था रिसाइकलर व्यू इसका आईडी देखिए बनाया था यहाँ हम लोग कैटेगरी आर भी यही कैटेगरी आर भी को हम लोग मेन एक्टिविटी में, में यहाँ इम्प्लीमेंट करने हैं इसीलिए हम लोग इसका आई डी यहाँ फाइंड किए हैं उसके बाद यहाँ आपको नीचे लेना है लीनियर लेआउट मैनेजर तो लीनियर लेआउट मैनेजर तो लीनियर लीनियर लेआउट मैनेजर यहाँ से ले लिया और फिर इसको लेना है लीनियर ले मैनेजर और उसके बाद इज इक्वल टू न्यूट लीनियर लेट मैनेजर तो न्यू लीनियर ले मैनेजर और इसको दिस से पास कर देना है ओनली दिस दिस से इसको पास कर देना है और इसको सेमी क्लोन दे देना है उसके बाद इसको क्लोज करना है और फिर लेआउट मैनेजर इसको वेरिएबल से पास करना है, तो लेआउट मैनेजर डॉट सेट ओरिएंटेशन रिसाइकलर व्यू रिसाइकलर व्यू से इसको ओरेंटेड कर रहे हैं तो इसके लिए इसका आप जो हम लोग रिसाइकुल दिखाएंगे वो किस तरह करेगा वर्टिकल मोड में कि ओरिजेंटल मोड में मतलब कि ऊपर नीचे घूमेगा या फिर लेफ्ट राइट घूमेगा इसको यहाँ सेट करना ज़रूरी है इसीलिए हम लोग यहाँ इसका ओरिएंटेशन ले रहे हैं और इसका ओरिएंटेशन रहेगा क्या वर्टिकल तो ये वर्टिकल आ गया क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे कोड है जो कि हम डायरेक्टली जावा में कर रहे हैं और हमको एक्सएमएल में करनी जरूरत नहीं पड़ रहा है इसलिए मैं अधिकांश देखिए ओरिएंटेशन भी इसके बाद में सेट कर रहा हूँ एक्सएमएल में ही जावा में ही उसके बाद रिसाइकलर व्यू डॉट सेट ले आउट मैनेजर डॉट यहाँ आपको देना है कि अपने ले जो आप लेआउट बना रहे हैं उसको कैसे सेट करते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ देना है सेट लेआट मैनेजर और फिर हमको इस जो बनाया था हम लोग ले आउट मैनेजर उसको यहाँ से पास कर देना है ताकि हमारा जो रिसाइलर भी ऑटोमेटिक यहाँ से काम करे अदरवाइज़ ये काम नहीं कर सकता है और बाद में हमारी ऐप में क्रैश मतलब कि हमारी ऐप चलेगी नहीं उसके बाद अब हमको ये बनाना है लिस्ट कि हम रिसाइकिल रूप में जो हम लिस्ट शो करना चाहते हैं उसमें क्या क्या नाम रहेगा क्योंकि यार अभी बना रहा हूँ ऑफलाइन बोर्ड ना जब हम लोग बनाएंगे करें कनेक्ट करें, फायर बेस तो उसमें बहुत कम चीज़ बदलाव करना पड़ता है इसलिए हम डायरेक्टली हर चीज़ डायरेक्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए डायरेक्ट लिखते हैं लिस्ट और इसको इसके अंदर मैं दूँगा मैं, मैं कैटेगरी मॉडल कैटेगरी मॉडल इसके बाद लिस्ट फिर से और इज इक्वल टू न्यू आर लिस्ट और इसको डायरेक्टली कुछ करना है यहाँ से डायरेक्टली क्लोज कर देना है और फिर यहाँ से लिस्ट ऐड करना है तो यहाँ डायरेक्टली इस लिस्ट को नहीं लेना है तो डायरेक्टली जो भी बनाया था कि लिस्ट इसको लेना है लिस्ट को और इस लिस्ट को मैं लिखना है डॉट एड न्यू कैटेगरी मॉडल और इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग यू को सेट करना है हमको तो यहाँ देखिए हमको इमेज यू सेट नहीं करना डायरेटली इसको हम यहाँ ब्लैंक कर देंगे क्योंकि हमको इमेज यू आर नहीं चाहिए क्योंकि हम इमेज यू को यूज करेंगे फायरबेज से तो यहाँ हटा देंगे और यहाँ हमको लिखेंगे कैटेगरी का नाम तो यहाँ कैटेगरी का नाम लिखते हैं कैटेगरी वन द कैटेगरी कैटेगरी या फिर यहाँ डायरेट लिखते हैं कैटेगरी जीरो वन और इसको यहाँ से सेमी कॉलो से क्लोज करते हैं इतना लिखने बाद यार इसको डायरेक्टली कॉपी करूँगा और अभी हमने देखा था अपने ऐप में कि ट्वेंटी कैटेगरी लिया था तो उस कैटेगरी को यहीं मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ तो मैं कॉपी किया डायरेक्टली और उसके बाद मैं पेस्ट कर जाता हूँ ट्वेंटी ट्वेंटी नहीं तो फिफ्टीन चलो रखते हैं फिफ्टी रखते हैं और इसका जो नाम है यहाँ वन था तो यहाँ हम लोग ज़ीरो टू करते हैं फिर ज़ीरो थ्री करते हैं ज़ीरो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन नाइनटीन कैटेगरी हमने यहाँ ले लिया हूँ उसके बाद हम लोग इस कटेगी के नीचे इतना कटे लेने के बाद उसके नीचे हम लिखेंगे कैटेगरी अडेप्टर तो यहाँ कटेगरी अडेप्टर डॉट अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी अडाप्टर लेना है और यहाँ लेना है इसको डालना है लिस्ट क्योंकि उस अडाप्टर में लिस्ट हम पास करेंगे इसलिए लिस्ट को पास किया यहाँ से उसके बाद यहाँ इस लिस्ट को हम कहाँ डालना है हमको रिसाइकलर व्यू में तो डॉट सेट अडाप्टर सेट अडाप्टर और यहाँ से हम लोग अडाप्टर को पास कर देंगे तो यहाँ देखिए हमने दो चीज़ यहाँ इतना हमने कर लिया अब इतना करने के बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ तक तो मुझे लगता है कि ये हमारा काम हो चुका है तो एक बार क्या करते हैं हम लोग उसको तो टेस्ट करते हैं कि यार रियली में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ अपना मोबाइल का जो डिवाइस है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप से उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि देखते हैं कि रन कर रहा है या फिर अभी भी कुछ एरर आ रहा है अब हमने क्या किया कि यहाँ डिवाइस को कनेक्ट करके रखा हो और डायरेक्टली मैं इसको सीधा देखिए ऊपर में मेरा रियलमी का डिवाइस है तो यहाँ कनेक्ट हो गया है और मैं डायरेक्टली यहाँ रन पर क्लिक करता हूँ देखते हैं कि क्या रियली में वाकई रन कर रहा है या फिर अभी भी मेरा जो सिस्टम है क्रैश करेगा क्योंकि ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है यार लास्ट में क्योंकि यार अगर आप देखते नहीं हो कि यार जो हमने कोडिंग किया उसका आउटपुट क्या निकल रहा है तो यार आप फिर भी <laughs> कोई फ़ायदा नहीं है टोटली कोडिंग करने से इसलिए वेट करते हैं जब तक हमारा जो एक प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली रन ना हो जाए और अपना जो हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉलिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यार बुल्ड ग्रेडल फिनिश कर दिया गया है और देखते हैं कि हमारा जो ऐप है वो रन करता है या फिर क्रैश करता है क्योंकि तो इंस्टॉलिंग हो रहा है हमारे मोबाइल सिस्टम में और वेट करते हैं जब तक हमारा जो इंस्टॉलिंग कम्प्लीट ना हो जाए स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है धीरे धीरे होता है ग्रेडल उसके बाद देखिए लॉन्च हुआ कि नहीं वो देखते हैं स्क्रीन स्क्रीन खुल गया और देखिए ओपन तो हो गया अब चेक करते हैं यहाँ सबसे पहले इस स्क्रीन को स्क्रॉल पहले हम ये देखेंगे कंफर्म करेंगे देंगे कंफर्म कंफर्मेशन कि हमने यहाँ दिया था नाइनटीन कैटेगरी तो अगर हमारे इस स्क्रॉल में 19 कैटेगरी आ रही है मतलब हमारी जो ऐप है परफेक्टली वर्क कर रही है तो चलो स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करके ऊपर ले आते हैं और ये देखिए सबसे लास्ट में नाइनटीन कैटेगरी है और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है आज की वीडियो का कंप्लीसन हो चुकी है और इस तरह से हम अपने रिसाइकलर व्यू को बना सकते हैं अपने दम पर और अपने अकल से तो यार इस तरह से अगर आपको सीखना है तो आप इस वीडियो में सीख लिए हैं और नहीं सीखना है तो लास्ट में आप इस वीडियो के को इस वीडियो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पैकेज को डाउनलोड कर लो और फ्री में ले लो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा माथे पीछे नहीं करना है तो चलिए मिलते हैं इस आ, वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में तत्व देख दीजिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम